नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं कि हम नंबर सिक्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर सिक्स जो कि वीनस का है ना, ऐसी कौन सी सिंपल रेमेडीज हम कर सकते हैं जिसमें ना कोई पैसे लगेंगे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो इतने सारे पैसे लगा के रेमेडीज करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने चैनल में वो चीजें बताऊंगी जिसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगाते हैं, है ना, और आपको रेमेडी करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। नंबर छह जो कि वीनस का है, वीनस लग्जरी का कारक है, पैसों का कारक है ना, शादी का भी कारक है। वीनस वीनस जो ग्लैमर का कारक है, पॉपुलैरिटी, फेम, सबको चाहिए, है ना, सबको ऐशो आराम चाहिए, सबको एक अच्छी लाइफ चाहिए, सबको हर चीज चाहिए अपनी लाइफ में, एक सुख चाहिए, है ना। तो वीनस वो है, शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आजकल शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। तो कुछ देखो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ पुराने कर्म है कि हमसे कुछ अधूरा रह गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। समटाइम इसलिए भी प्रॉब्लम आती है कि शादी की एज निकल गई। जब आपकी एज थी तब आप या तो पढ़ाई के पीछे लगे हुए थे या करियर के पीछे लगे हुए थे, या आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया कि हम कर लेंगे। कभी कभी ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती, और कभी कभी कोई साल ऐसा होता है वो हमारे फेवर में नहीं होता। हमारे पास रिश्ता तो आता है, पर उस टाइम तक हम इतने चूजी हो जाते हैं, या आसपास का माहौल हमें इतना लेजी कर देता है कि हम उस चीज को ऑन टाइम कर नहीं पाते। तो आज न्यूमरोलॉजी में क्या करें, कुछ वास्तु में क्या करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी में डिले है या आपका नंबर छह एक्टिवेट नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या करें। नंबर छह जो कि वीनस का कारक है, वीनस का कलर सफेद है, वीनस का रंग फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन अगर आप वाइट चीजों का दान करेंगे, जो लोग गरीब हैं, जो लोग नीडी हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, सफेद चीजें जैसे दूध, चावल, आटा, पनीर, बर्फी, अगर ये चीजें आप उन नीडी लोगों को देंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई कोड़ियों का है ना, कोई कोड़ियों का ऑर्फनेज है, अगर आप उनको खीर बना के खिलाएंगे, अगर आप खीर नहीं खिला सकते तो आप व्हाइट बर्फी उन्हें दे दो, अपने हाथ से देनी है आप, तो ये आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगा। आप दही को लेके फ्राइडे के दिन यहाँ टिक्का करिए। जिनका भी बीएन और डीएन सिक्स है उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनका भी बीएन और डीएन में सिक्स थ्री आता है तो वो ये रेमेडी नहीं कर सकते। जिनके भी डीएन में सिक्स आता है, ओनली डीएन, डीएन क्या होता है, जब आप पूरे डीओबी का टोटल कर लेंगे, जैसे 15 जून 1950, इन सबका टोटल कर लीजिए, अगर इनका सबका टोटल सिक्स आता है तो आप येलो कलर के कपड़े ना पहने। अगर आपका बर्थ नंबर मतलब 16 16 जून, तो 16 इज योर बर्थ नंबर, 16 को सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो 7 बन जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे दिस इज बी एंड डी एम, है ना। सो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन हैं, जैसे वीनस का रंग व्हाइट होता है तो अगर आप अपने साथ व्हाइट पेन यूज करेंगे, अपनी टेबल पे व्हाइट कलर कर देंगे, व्हाइट कलर का कपड़ा यूज करेंगे, है ना, अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनेंगे, हैंकी रखेंगे अपने पास, है ना, कलाई में व्हाइट कलर का आप धागा पहन लीजिए, उल्टे हाथ, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को अपने दैनिक रूटीन में ऐड करेंगे तो ये आपके वीनस को इनहांस करता है ना। ये छोटी छोटी व्हाइट कार, व्हाइट कार। और अगर जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो कहते हैं हम ये सब चीजें नहीं कर पाते, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो अगर मंदिर या गुरुद्वारे में व्हाइट चीजों का दान करेंगे, है ना, और सफेद कपड़े पहन के जाएंगे फ्राइडे के दिन, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ जिन लोगों की शादी हो रही है, अब जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो सब कर सकते हैं, है ना, उनके बी एन डी एन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अब जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना, और उनकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो वो आप चेक करें कि आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में कोई भगवान जी की फोटो तो नहीं है, अगर है तो उसे हटाइए। आपके रूम में कोई भगवान जी की फोटो तो नहीं है, अगर है तो उसे हटाइए। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जाके सोइए, जहां आप सोएंगे उस बेड में 2 पिलोज और 2 रजाई होनी चाहिए। उस बेड पे जो आप बेडशीट यूज करेंगे वो पिंक कलर की होनी चाहिए। उस घर में पूजा से रिलेटेड कोई, उस कमरे में जिस कमरे में आप सो रहे हैं वो पूजा से रिलेटेड चीज नहीं होनी चाहिए। आपके घर में बुद्धा की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट में
एक वॉल क्लॉक लगाइए, ये अच्छे रिश्ते लाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूटफुल रिश्ते भी नहीं आ रहे और ना ही अच्छा मैच मिल रहा है, तो आप अपने घर की ईस्ट वॉल पे फ्रूट बियरिंग की एक फोटो लगाइए। फ्रूट बियरिंग ऐसा पेड़ जिसमें फ्रूट लगे हो, जैसे आपका पेड़ हो गया, कोई भी फ्रूट के लगा, संतरे का पेड़ हो गया, उसकी अगर आप फोटो लगाएंगे तो ये अच्छे रिश्ते और अच्छा घर आपके लिए लेकर आएगा। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटी सी है ना, एक बहुत छोटी सी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड 6 नंबर को एक्टिवेट करने की टेक्निक न्यूमरोलॉजी से, और कुछ वास्तु के टिप जो अपने आप बहुत ही इजीली अपने घर पे किसी भी कंसल्टेशन के बिना कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको 6 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए बी एन डी एन के लिए चीजें बताई कि जिनका बी एन और डी एन 6 है उन्हें ये जरूर करना चाहिए, जिनके बी एन डी एन में 3 आ रहा है उन्हें ये नहीं करना है, या जिनके भी डीएन में 6 आता है ना, वो येलो कलर की चीजें ना पहने, क्योंकि जुपिटर और वीनस आपस में दोस्ती नहीं रखते, दोनों एंटी नंबर्स हैं। तो दीज आर सम टिप्स आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच, दिस नीलम अग्रवाल। आई गेस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप अपने दोस्तों के साथ और नियर डियर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।